हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट डिटेल्स। तो आज आप लोग को एक अपना बेकार सा लैंटर्न या कोई भी ऐसा कुछ ढूंढना है जो आपका लैम्प शेड पड़ा हुआ है, जिसको आपको लगता है यार अब बहुत टाइम आ गया, अब इसको बदलना है, बेकार हो गया है। तो ये मेरा कम से कम 20-25 साल पुराना लैम्प पड़ा था मेरे पुराने घर में, तो मैंने कहा क्यों नहीं इस पर कुछ काम किया जाए। तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपने सारे क्ले वगैरह यूज़ करके इसको बनाने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो पहले आपको एक अपना कोई भी फेवी बॉन्ड ले लेना, कोई भी अच्छा सा जो कि सही चिपक रहा हो, कोई भी चीज़ जो आपको लगती हो सही हो, डबल टेप हो चाहे जो भी हो, कोई भी चीज़ ले लेना। उसके बाद शुरू हो जाओ क्ले लेना, और क्ले के बाद उसे अच्छे से मोड़ वोड़ करके जो भी आपको सही डिज़ाइन लगे वो बना लेना। तो मैंने ऐसे सांप टाइप का डिज़ाइन बना लिया। आपको कोई भी डिज़ाइन बनाना है, माउंटेन बनाना है, हिल बनाना है, फ्लावर बनाना है, जो भी बनाना है ऐसे बना लेना। तो मैंने जो है ऐसे जिग-जैग दे करके सांप टाइप शेप बना दिया इसका। और उसके बाद ऐसे ही मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों दिशाओं में बना दिया, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, तो आप भी ऐसे करके बना लेना या जो आपको सही लगे, और थोड़ा सा वाटर का प्रयोग कर लेना ताकि जो उससे और थोड़ा सा सही बन जाता है, नहीं तो फिर वो टूटने लगता है। ठीक है, तो अब आप चाहो तो ऊपर भी क्ले का यूज़ कर सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। बट मैंने बाद में इसको हटा दिया था, ये लगा दिया मैंने कि आप लोग लगा सकते हो, बट मैंने बाद में इसको हटा दिया था। और आप बाद में देखना इसकी जगह मैंने क्या यूज़ किया था। उसके बाद जो है ऐसे डैब डैब करके पेस्टल कलर्स आते हैं फेविक्रिल के, उसको ले लेना, और वो बहुत अच्छे हैं, आपके लाइफ टाइम भी काम आएंगे, तो उसको ज़रूर लेना, क्योंकि उसमें चौक टाइप का पेंट भी लगता है। अभी आप इसका इफेक्ट देखना। और ये डैब डैब करके मैंने ग्रीनिश येल्लो टिंज वाला लिया, तो इससे बहुत प्यारा लग रहा था, और कमरा एक अलग से कलर्स हाईलाइट हो रहे थे इसके। तो आप ऐसे करना, और इसका देखिए जो फिनिशिंग है वो चौक पेंट टाइप की है। उसके बाद मैंने ऐसा ही पेस्टल कलर पर्पल में ले लिया, क्योंकि मुझे लगा इसके साथ ये कलर बहुत प्यारा लगेगा। तो पेस्टल्स के सेट फेविक्रिल के बेस्ट हैं, तो ये मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे डार्क कलर्स नहीं रखने थे, क्योंकि वो ग्लूमी बनाएगा, बट हमें थोड़ा सा अच्छा सा इफेक्ट देना था, और ऑब्वियसली पुराने वाले को बदलना था, वो रेड से मुझे दूसरा रखना था, तो इसलिए मैंने लाइट शेड्स यूज़ किए। तो ऐसे करके मैंने इसको पेंट कर दिया। आप कोई भी और डिज़ाइन बना सकते हो। अब जो वो चीज़ मैंने हटाई थी ना, उसकी जगह मैंने लेस का प्रयोग किया, मेरे को लगाया लेस ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो मैंने वो चीज़ इसको ऐसे करके चारों साइड से लगा दिया। अब उसके बाद यही चीज़ जो है चारों साइड आप देख लो, फाइनली ऐसे लुक आ रहा था, जो अभी से ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो अभी जाके लाइक शेयर कर दो, और बाद में अच्छा लगे तो बाद में ज़रूर कर देना, बट करना ज़रूर। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने ये लिया एक स्टेंसिल। अगर आपको थोड़ा कम टाइम में काम करना है तो स्टेंसिल्स बहुत अच्छे रहेंगे, नहीं तो आप खुद भी बना सकते हो। कुछ चीज़ें मैंने खुद बनाई, कुछ चीज़ें स्टेंसिल्स से यूज़ की। तो स्टेंसिल्स मेरे पास पड़े थे बैम्बू वाले, और मुझे लगा कि ग्रीन है तो ग्रीन ही बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने जो है ऐसे करके ग्रीन और ब्लैक का यूज़ करके और भी इसको इन्हांस कर दिया। और आप ऐसे कोई भी फ्लावर्स वगैरह, फॉरेस्ट लुक कुछ भी दे सकते हो, और ये तो मेरा फेवरेट है ही है, जो ट्राइबल वाला आंटियाँ ये होती हैं 3-4, ये बहुत प्यारी लगती हैं। ये मेरे पुराने वीडियो, एक ज्वेलरी वाला मैंने बॉक्स का एक ऐसे ज्वेलरी प्लेट बनाई थी, उसमें भी मैंने ये यूज़ की थी, तो आप वो भी देख सकते हो, वो बहुत प्रिटी थी और सबको बहुत पसंद आई थी। तो उसके बाद ये मैंने कुछ अपने डिज़ाइंस अपनी मर्ज़ी से बना दिए, जो भी डार्क लाइट ग्रीन पे डार्क ग्रीन का बेस करके, बेसिकली लीव्स वगैरह, और ये ऐसे वाली बहुत सारी आर्ट्स आती हैं, वर्ली आर्ट, और बहुत आर्ट्स हैं जो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हो। अपने स्क्रीन अपने जो है वॉल को डेकोरेट करने के लिए वॉल हैंगिंग्स के थ्रू भी मैंने बहुत सारी बनाई हैं, और अगर आप न्यू बिगनर हो तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारी आर्ट्स एंड क्राफ्ट अपने वीडियोस उसमें डाले हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। उसके बाद ये जो स्टेंसिल्स होते हैं 1, 2, ABCD वाले, वो भी मैंने यूज़ कर लिए। उसके बाद मैंने क्यूट सा जिराफ बना दिया, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत प्यारा लगेगा, तो फिर मैंने ये भी बना दिया। इसमें भी डार्क एरियाज़ कहीं कर दिए, कहीं लाइट, और कलर वाला जो भी आप कर सकते हो, ब्लैक और ग्रीन का मैंने ज़्यादा यूज़ किया इसमें, तो आप देख सकते हो। मतलब वो कोई भी डिज़ाइंस करने हैं इस पर ताकि ये थोड़ा इन्हांस हो जाए। आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो, अगर आपके पास क्ले है तो आप क्ले से भी फ्लावर्स वगैरह ये सारे डेकोरेशन क्ले से कर सकते हो, उसके बाद पेंट कर सकते हो, बट मुझे इस पर डायरेक्ट करने अच्छा लगा और मज़ा आ रहा था करने में। बेसिकली आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप ईजी चीज़ें बना करके भी इतना सुंदर चीज़ बना सकते हो, तो क्यों नहीं। तो अब आप जो है कोई भी कलर्स डिज़ाइंस इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हो, वो सब आप बना लेना। और ये मेरा फाइनल लुक है, जो कि फाइनली ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाला है। और उसके बाद मैंने अपनी नीचे लेस लगा ली, तो इसमें जैसे आपको एक होता है ना थोड़ा सा मुकुट टाइप ऐसा करके, मतलब वो व्यू आएगा, तो इसलिए मैंने ये नीचे लेस लगा दी। तो ऊपर है तो नीचे भी लगनी ही चाहिए, तो इसलिए वैसे कोई टोपी टाइप लग रही है क्यूट सी। और ये देखो मैं ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ, उल्टा सीधा उल्टा सीधा, तो आप भी ऐसे देखना ताकि आपको ना घूमना पड़े, इसलिए मैं घुमा रही हूँ। तो इसके बाद आप इसके अंदर होल्स करना, जितने आप होल्स करोगे ना उतना जब लाइट आएगी तो बहुत अच्छी बाहर आएगी।
तो उसके बाद आपको, अब ये तो नॉर्मल था जो सब करते, बट इसमें डिफरेंट चीज़ क्या थी कि मैंने बॉब चेन यूज़ करी। तो इसमें क्या होगा, जब आप बॉब चेन यूज़ करोगे या आपको कोई भी एम्ब्रॉयडरी या मतलब नॉर्मल दुकान पर आराम से मिल जाएगा, बॉब चेन बोलना, आप हैवी भी कोई यूज़ कर सकते हो, आप क्या कहते हैं पर्ल की माला भी यूज़ कर सकते हो, वो भी ब्यूटीफुल लगेगी। बट मुझे ज़्यादा हैवी नहीं बनाना था लुक को, तो मैंने इसलिए बॉब चेन पतली सी आती है वो यूज़ करी। इवन आप ज्वेलरी की जो चेन्स होती है ना वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास हो तो। उसके बाद मैंने इसको ऐसे यूज़ करा, और ऐसे ही आपको इनसाइड आउटसाइड करके निकालते रहना है। तो मैंने तीन चार जो है इसमें मैंने ऐसे अंदर बाहर किए। थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा टाइट होगा जो हमारा लैम्प शेड है, बट आपको जो है थोड़ा सा उसको वाइट उससे जो मार्क वो होता है क्या कहते हैं पेपर कटर से, उससे आप अंदर बाहर कर देना, ठीक है। सो डू कमेंट इन द बॉक्स गाइस, तुम लोग को कैसा लगा, आप लोग को कैसा लगा, एंड आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा जो भी मैं पोस्ट कर रही हूँ। जस्ट डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी वीडियोज़ नहीं देख पाओगे। सो प्लीज़ अच्छे से देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग आपसे सिर्फ यही मांग रहे हैं कि आप प्लीज़ भर भर के लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हार्ट से जो भी आपको अच्छा लगता है कमेंट करो। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ऑल गाइज। और ये हमारा फाइनल लुक है, और जो एक टियारा आता है वो भी मैंने इस नीचे वाले लैम्प पे लगा दिया, एंड फाइनली मैंने अपना बल्ब लगा दिया है और ये फाइनली अब जल गया है। तो ये है हमारा फाइनल व्यू, आई होप आपको ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होगा। और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज, और ये देखिए आप थोड़ा पास से भी देख सकते हो, एंड दिस इज़ द फाइनल व्यू गाइज। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज, अगर आपको सच में अच्छा लगा हो। आप नीचे एक लैंटन भी लगा सकते हो, टियारा भी साइड में लगा सकते हो, तो इससे आपको कुछ और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और अच्छा लगेगा। सो गाइज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून। और आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी ज़रूर देखना, वो मैंने डाल दी हैं और वो डली हुई हैं। और क्राफ्टी टेल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।